हूँ कि जो इस फिल्म के हीरोइन है भाई, अभी मिल लेता हूँ, क्या फिल्म के बाद हाउसफुल हो जाएगी, लोग ये मिलती है देखने को नहीं मिलती है, थोड़ी सी बातें करेंगे तुझे। अच्छा मुस्कान, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है माहौल, आप लगातार आप लोगों ने इतनी मेहनत की, पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्या आपको लगता है आपने सफल क्यों हो रही है? वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है, बट ऐसा देख के लग रहा है कि शायद भगवान मेहनत को रंग लाएंगे। क्या मतलब टिकट की बात करें तो टिकट कितनी बुक हो चुकी है, कितनी भी है? टिकट तो आज की तो सारी बुक हो चुकी है, आज की पूरी। हाँ, एक शो बढ़ा भी दिया गया है, अब कल का पता नहीं क्या होता है, बट आज तो सारी बुक हो गई। अच्छा अभी मतलब जो जिनको टिकट नहीं मिल पा रही है तो वो मतलब वापस जा रहे हैं, उनको कल भेज दे रहे हैं? मेरा मतलब मतलब ये कि जो लोग आज टिकट नहीं पा रहे हैं उनको कल के लिए भेजा रहा क्या? नहीं नहीं, कल के लिए नहीं, शो बढ़ा दिया गया 5:30 वाले में या तो फिर 3 वाले में। तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आपको बता दूं कि रीवा में निर्मित पहली हिंदी फिल्म जंतर, जो कि पहले दिन ही हाउसफुल रही, लोगों से बात करने पर पता चला कि फिल्म इतनी जबरदस्त है कि पहला शो इतना जल्दी भर गया कि बहुत लोगों को तो टिकट ही नहीं मिला। आपको बता दें फिल्म में इतनी भीड़ होने के कारण फिल्म को 200 में बांटा गया। फिल्म देखने के बाद लोगों में उत्सुकता सी बनी हुई है, और ये उत्सुकता हो क्यों ना, क्योंकि रीवा के कलाकारों ने ये फिल्म ही तैयार कर दी। फिल्म की बात करें तो इससे पहले बघेली भाषा में फिल्म रीवा में बन चुकी थी, और इसके अलावा ये रीवा की पहली हिंदी फिल्म है जंतर। अगर फिल्म में कहानी की बात करें तो कहानी कुछ हॉरर टाइप की है, जो सन 2005-2007 पे आधारित। फिल्म के डायरेक्टर असम राजा ने बताया कि अभी ये फिल्म रॉयल सिनेमा हॉल में रिलीज हुई है, अगले मंथ OTT के कई बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। एक बार फिर रीवा के कलाकारों ने यह साबित कर दिया कि रीवा के कलाकारों में कला और हुनर की कमी नहीं, बल्कि कम संसाधन होने के कारण वो कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि हम कुछ बड़ा सा बड़ा करें। आपको बता दें दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और यही कारण था कि आज पहला दिन ही इतना हाउसफुल हो गया कि बहुत से लोगों को टिकट नहीं मिल पाई, जिसके कारण फिल्म को दूसरा शो 5 बजे से लगाना पड़ा। क्या आपने यह फिल्म देखी? अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो आप रॉयल सिनेमा आइए और इस फिल्म को देखिए, भरपूर आनंद लीजिए और हमारे क्षेत्रीय कलाकारों को सपोर्ट कीजिए ताकि वो आने वाले समय में और भी कुछ अच्छा कर सके। अब देखने वाली बात यह है कि दूसरा दिन फिल्म का शो कैसा रहता है, क्या हाउसफुल रहता है या फिर नहीं। तो आपको करना क्या है, इस चैनल पर बने रहना है और मैं आपको आगे भी इस फिल्म की रिव्यू दिखाता रहूंगा। तो मेरे प्यारे दर्शक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।